हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 11 का चैप्टर असेसमेंट, जो कि है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो आज की वीडियो के अंदर अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर अपने पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हम जल्दी से क्या करेंगे, इनको अपने सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपने अब तक नहीं देखे तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज के अंदर जो मेंटल मैथ्स है वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप जो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं। पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या है, इन अ थ्री इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू। देखिए, आपको पता है तीन एंगल कब किस केस के अंदर इक्वल होते हैं, जब वो आपका ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इट मींस यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑल एंगल्स का सम क्या हो जाएगा यहां पर, 180, और सबको एक्स एक्स मानेंगे। इसका अपने जो सोल्यूशन है मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर किया था। नेक्स्ट देखिए, इफ द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स इज ऑफ ए बी सी इज 110 डिग्री। देखिए सेकेंड, ये अगर अपने बात करें क्या बोलना चाह रहा है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, क्या है, ए बी एंड सी। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, सी के जो एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला, ये आपको गिवन है कितना, 110 डिग्रीज। एंगल ए इज 50 डिग्री, ये आपके पास कितना है, 50 डिग्री। देन फाइंड द बी। अब आपको पता है बाय लीनियर पेयर यहां से ये वाले एंगल को एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। यहां से 110 माइनस में जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110, और यहां पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 70 डिग्री। अब ये x जो है आपके पास क्या हो गया, 70 डिग्री। तो अब आपको फाइंड करना है b। तो b कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होती है, सबका सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो 50 प्लस 70 प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180। तो यहां से देखिए 50 प्लस 70 हो जाएगा आपके पास 120, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 120 जाएगा माइनस में, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, आपके पास 60 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन अ ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस। उसके बाद देखिए, द लाइन सेगमेंट Joining the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. देखिए क्या है, मान लीजिए ट्रेंगल है, इस मिड पॉइंट से जब इसके सेंटर को अपने एड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। और जब हम इसको यहां पर 90 डिग्री लगाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ ट्रेंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स कैन नेवर बी लेस और इक्वल, ठीक है, क्या होना चाहिए, सम ऑफ द एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन, ठीक है, तभी वो ट्रायंगल जो है कि आपका होगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्रायंगल विद एंगल्स 50 58 एंड 60 डिग्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ऐड करके देख लेते हैं। देखिए, इनका सम अगर 180 आएगा देन यस, अदरवाइज नो। तो ऐड करते हैं, 5 प्लस 8 10 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 10 प्लस 16 प्लस 170, तो 170 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द ट्रेंगल विद साइड लेंथ 5 12 एंड 13 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रेंगल। तो आपसे क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल हो सकता है। अब यहां पर लॉन्गेस्ट साइड जो है आपकी क्या है, हाइपोटेनियस होती है। तो यहां पर अपने बात करते हैं हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, 13। बेस मान लीजिए 12 है, और आपके पास अगर अपने बात करें परपेंडिकुलर की, ये हो गया 5, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, और बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर की बात करें तो 13 स्क्वायर, बेस है आपके पास 12 स्क्वायर,
और 5 स्क्वायर है आपके पास परपेंडिकुलर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25, तो ऐड करने पर ये क्या आ गया 169। इट मींस इट्स पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। थर्ड देखिए, द देयर कैन बी ओनली टू एक्यूट एंगल्स इन अ ट्रेंगल। अब यहां पर बोल रहा है कि सिर्फ दो ही हो सकते हैं, नहीं रॉन्ग है। अगर अपने बात करें इक्विलेटरल ट्रेंगल की, इसके अंदर क्या होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, और 60 डिग्री एंगल क्या होते हैं, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, क्योंकि मैं इसको बहुत बार आपको समझा चुका हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल एंगल इज 90 डिग्री। द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, देखिए एक एंगल तो आपका ये हो गया 90 डिग्री, बाकी बचे हुए जो दो एंगल हैं, ये वाले जो दो एंगल हैं, इनका सम ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री का सम ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल जो आपके इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए दो का एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि यहां पर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, द फिगर कंसिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल, फाइंड एक्स। अब यहां पर आपको एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनका मेजर 60 डिग्री होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए आपके पास, 60 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है क्या, एक्स। अब एक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इसे मैं मान लेता हूं वाई, ठीक है, और इस एंगल की बात करता हूं, इसे मैं मान लेता हूं जेड। अब सबसे पहले अगर अपने बात करें, एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है। आपको पता है कि जो आइसोस्केलस ट्रायंगल होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। उसके बाद बात करें वाई की, बाय लीनियर पेयर और, ठीक है, पहले तो अपने बात करते हैं बाय लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा, वाई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, और एंगल वाई जो है आपके पास क्या आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये, और दूसरा आपको पता है क्या, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब 60 प्लस 60 इज इक्वल टू वाई, 60 प्लस 60 क्या होता है, 120। अब यहां से आपके पास आ गया वाई इज इक्वल टू 120, और आपको क्या पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई हमने फाइंड कर लिया, जेड की जगह हम एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहां पर 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से देखिए 120 माइनस में जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और यहां से देखिए एंगल x इज इक्वल टू 60 बाय 2, एंड फाइनली एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री इज योर आंसर। सो 30 डिग्री देखिए क्या है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द बेस ऑफ एन एंगल, द बेस एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 55 डिग्री, फाइंड द वर्टिकल। देखिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेस एंगल की, मान लीजिए ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, तो वर्टिकल एंगल आपका क्या है, एंगल ए, और बेस एंगल बी जो है आपके पास 55 डिग्री गिवन है, और आपको पता है आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए आपको फाइंड करना है, बी की वैल्यू 55 पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू भी 55 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 180। 55 प्लस 55 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 और फाइनली एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री इज योर आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर आपको बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। अब मैं यहां पर बात करूं, आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है यहां पर कुछ ऐसा, यहां पर ये जो है 90 डिग्री है, ये गिवन है आपको 8 मीटर्स, ये गिवन है आपको 10 मीटर्स, आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपको पता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना, तो बेस स्क्वायर चला जाएगा माइनस में, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 10 का स्क्वायर, बेस है आपका 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करने पर आ गया 36। और बात करें परपेंडिकुलर स्क्वायर की, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, इट मींस टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है 6 मीटर्स। तो यहां पर ये जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, 6 मीटर। अब ये बिल्कुल सिमिलर है, यहां पर 10 है, यहां पर 6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर्स। ये आप फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर सिंपली ये आपको 10 गिवन है, अपोजिट साइड्स किस शेप की इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की, तो ये 12, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 12 मीटर्स। तो यहां से हम फाइंड कर देते हैं, देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। इट मींस अपने यहां से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, तो देखिए 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। अब अंदर वाली 10 क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि आउटर बाउंड्री की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, देखिए 8 प्लस 6, देखिए 8 प्लस 12 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 20, 20 प्लस 6 26। अगेन बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे बात करें, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, तो 26 प्लस 26 होता है आपके पास 52 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब यहां पर इन, देखिए इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इन सिंबल्स का मतलब होता है कि लाइंस पैरेलल हैं। तो जो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स कट करती है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 61 डिग्रीज। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब आपको ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी जो एक्सरसाइज 10 के अंदर, आपने अगर एक्सरसाइज 10 जो है अच्छे से की है तो आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट एंगल अगेन, ठीक है। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होती है इनका सम, किसके इक्वल होता है, इनका सम होता है आपका 180 के इक्वल। सो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बी है आपके पास 70 डिग्रीज, डी है आपके पास 61 डिग्री, वाई आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, 61 प्लस 70 तो ये हो जाएगा आपके पास 131 डिग्रीज प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 131, क्यों, क्योंकि यहां पर ये प्लस का था और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का। तो यहां पर अपने इसको माइनस कर देते हैं, देखिए माइनस करने पर आपके पास आएगा 49 डिग्री। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इन द लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर
एंड 3 सेंटीमीटर, देन थर्ड वन भी मस्ट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ देम। अगर अपने बात करें 7 + 3 इसका सम होता है 10, तो 10 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका देखिए बात करें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब अगेन मैंने आपको बताया था इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल है। अब मैं बात करूं, अगर देखिए आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपके क्लियर होना चाहिए कि आपको आखिर फाइंड क्या करना है। तो यहां पर देखिए फाइंड बी सी एफ, आपको बी सी एफ फाइंड करना है। तो बी सी एफ क्या है, देखिए बी सी एन एफ ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है बी सी एफ। और अगर अपने बात करें इस वाले एंगल की, देखिए, और गिवन क्या है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, सी डी ई इज इक्वल टू 61 डिग्री, ये आपको गिवन है। उसके बाद बी सी ई, बी सी ई एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद डी सी ई, डी सी ई इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहां बना हुआ है, सी पे, मतलब ये क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने फाइंड करते हैं सबसे पहले तो ट्रायंगल बाय ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, यहां से अपने लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, देखिए एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल डी आपके पास गिवन है 61 डिग्री, एंगल ई हमें फाइंड करना है, ठीक है, और डी सी ई मतलब ये वाला एंगल आपको गिवन है बाय सिंबल 90 डिग्री, इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से देखिए इनको ऐड करते हैं, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई प्लस, ये आपके पास हो जाएगा 151 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 151 डिग्री, तो माइनस करने पर आपके पास यहां पर आ जाएगा 29 डिग्रीज। ठीक है, अब ये हमें फाइंड नहीं करना, अब इसे फाइंड क्यों कर रहे हैं इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल जो आपका कितना हो गया 29 डिग्री। अब मुझे ये, मैंने ये क्यों फाइंड किया, देखिए अब आपको गिवन है, देखिए अगर मैं इसको सेपरेटली बनाऊं, ये लाइन है आपकी बी सी एंड ई, ठीक है, यहां पर ये एक लाइन है और यहां पर इस सी पॉइंट पे एक लाइन है। आपको गिवन है ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अगर मुझे इतना ये वाला एंगल पता लग जाए तो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ ये वाला 180 में से माइनस करके। तो सिंपली ये वाला जो एंगल है इसके अल्टरनेट है, क्योंकि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। जब एक पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्स कट करती है तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर अगर अपने बात करें एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 29 डिग्रीज, मतलब ये वाला एंगल भी जो है आपका कितना हो गया 29 डिग्रीज। कैसे, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से हमारे पास आ गया 29 डिग्री। अब अपने बात करते हैं बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ प्लस एंगल जो आपको फाइंड करना है कौन सा, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ई सी एफ हमने फाइंड कर दिया है 29 डिग्रीज प्लस एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से देखिए एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री। ठीक है, तो माइनस करने पर एंगल बी सी एफ जो है आपके पास 151 डिग्री आ गया। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर। सो ऑप्शन ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब यहां पर अब क्या क्यों है, इन ट्रेंगल एबीसी, ये ट्रेंगल है एबीसी, ठीक है, एंगल ए इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, एंगल बी इज 80 डिग्री, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ। बाइसेक्टर का मतलब वो लाइन जो इनको बिल्कुल मिड में कट करती हो, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। तो यहां पर अपने बात करें, अगर ये कंप्लीट एंगल की बात करें, देखिए मैं बात करता हूं एंगल ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए आपके पास क्या है 60 डिग्री, एंगल बी आपके पास गिवन है 80 डिग्री, तो एंगल सी हम फाइंड कर सकते हैं, तो 60 प्लस 80 140 डिग्री, तो 140 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो यहां से 140 जाएगा माइनस में, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एंगल सी आपके पास क्या आ गया 40 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्या आ गया 40 डिग्री। अब मैं बात करूं बाइसेक्टर की, अब मैं छोटे ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए देखिए ये हो गया ओ, ये हो गया बी और सी, बाइसेक्टर है मतलब अगर कंप्लीट है आपका 80 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40, यहां पर देखिए कंप्लीट कितना है 40 डिग्री, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो अपने बात करते हैं यहां पर ट्रायंगल की, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड सी। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं सी फाइंड करना है, सी तो आपके पास आ गया 40 डिग्री फर्स्ट, ठीक है, सेकंड की एंगल बी ओ सी, तो यहां पर सेकंड की बात करें अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बी ओ सी आपको फाइंड करना है, ओबीसी, ओबीसी का मतलब ओबीसी ये वाला एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस ओसीबी, ओसीबी मतलब ये वाला एंगल 20 डिग्रीज, 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहां पर आपके पास एंगल बीओसी आ जाएगा 120 डिग्रीज। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का 40 एंड सेकंड पार्ट का 120। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपका जो चैप्टर असेसमेंट है 11 का, इसका भी लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 11 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ये इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर देखिए क्या है, अगर मैं एक टॉप वाले ट्रायंगल को देखिए, अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाऊं, देखिए इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, जो कंप्लीट एंगल होता है उसे हम कितने बोलते हैं, कितना होता है 360 डिग्री। आपको ये वाला गिवन है इतना इतना, देखिए ये जो बाहर बाहर का है ये आपको गिवन है कितना 290, ठीक है, ये वाला आपको गिवन है इतना 48 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं x, सो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 48 डिग्री प्लस 290 इज इक्वल टू 360, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 338 इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 360 माइनस 338 डिग्रीज, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी देखिए 22 डिग्रीज, मतलब ये वाला जो एंगल है आपके पास आ गया कितना 22 डिग्री। अब आपको एक तो b फाइंड करना है और एक आपको फाइंड करना है a।
अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रेंगल वन की, ठीक है, बाय ट्रेंगल वन, इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, ठीक है, बाय ट्रेंगल वन, तो यहां पर वन की अगर बात करूं तो ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, 90 डिग्री। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस 48 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए एंगल बी वुड बी 138 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 138, एंड यहां पर एंगल बी आपके पास हो गया देखिए 42 डिग्रीज। अब यहां पर ये आंसर नहीं है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, अब ये चीज देखिए, आपसे पूछा है कि ए इज हाउ मच बिगर देन बी, ठीक है। अब यहां से हम फाइंड कर लेते हैं एंगल ए, देखिए बाय ट्रेंगल टू, तो टू की बात करें, ये ऊपर वाला एंगल आपको 22 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल ए प्लस 22 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 112, तो यहां पर आपके पास फाइनली एंगल ए इज इक्वल टू, माइनस करने पर आया आपके पास 68 डिग्रीज, ठीक है। ए आ गया 68, बी आ गया 42। अब आपको बताना है कितना बड़ा है, इट मींस डिफरेंस फाइंड करना है। सो एंगल ए माइनस एंगल बी, ये आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ठीक है। तो एंगल ए है 68 डिग्रीज माइनस 42 डिग्रीज, सो 26 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपकी जो चैप्टर असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 के अंदर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।